अब हम लोग बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास एक एरे है जिसका साइज है 7 और इंडेक्स हमने दे रखा है। एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको जोड़िएगा, कितने साइज है तो जोड़िएगा तो 7 हो जाएंगे, ठीक। अब इस एरे में हमें कुछ ऑपरेशन करना है, जैसे कि मुझे सर्च करना, किसी चीज़ को सर्च करना है। तो पहले 0 से शुरू करते हैं, 1 से, 2 से, 3 से, पहले 0 इंडेक्स से शुरू होते हुए जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे एक सर्च करना है इस 12 को कि कितने बार में आएगा। तो इधर से मैं सर्च करूंगा तो 12 में एक बार में आ जाएगा, यानी कि एक कंपेरिजन में हमें ये 12 आ जाएगा। तो एक बार में आ गया तो समझिए कि बेस्ट केस है, ठीक है। और बेस्ट केस को हम लोग बिग ऑफ 1 बोलते हैं एन के टर्म में, और इसको कांस्टेंट टाइम भी बोलते हैं। मतलब कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को जब भी निकालना, क्या एरे में से क्या करना, 0 इंडेक्स पर जो भी डाटा है हमें आउटपुट दे दो, तो क्या करेगा, एक ऑपरेशन में वो हमें आउटपुट दे देगा, यानी कि बिग ऑफ 1 टाइम में, यानी कि कांस्टेंट टाइम लगेगा 0 इंडेक्स पर जो भी रहेगा, सर्च करना है या कुछ भी करना है। अगर यही हमें, हमारे पास अगर 60 रहता तो हमें कितने कंपेरिजन करना रहता, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवें कंपेरिजन में हमें मिलता है 60। तो यानी कि 60 अगर सर्च करना है तो ये हमारा कितना हो गया, एन कंपेरिजन, मतलब कि जितना एरे का साइज है, यानी कि लास्ट वाला अगर एरे में एलिमेंट सर्च करना है या उसे प्रिंट करना है तो सबसे अंतिम में जाना पड़ेगा। यानी एरे का साइज अगर 7 है या 8 है तो वो कितने पर डिपेंड कर रहा है, 7 या 8 है, उस एरे के साइज पर, यानी एन कंपेरिजन अंतिम वाले। अगर यही एरे का साइज 10 रहता तो हमें 10 कंपेरिजन करना रहता। तो इससे पता चल रहा है कि साइज पर हमें डिपेंड कर रहा है कंपेरिजन, अगर लास्ट वाला एलिमेंट को एक्सेस करना है या सर्च करना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एन कंपेरिजन, और इसको हम लोग वर्स्ट केस बोलते हैं, और एन के टर्म में हम लोग बिग ऑफ एन बोलते हैं। अधिकतर हम लोग वर्स्ट केस को ही हम लोग निकालते हैं, और पूछा भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लेगा। अब बात करते हैं एवरेज केस के बारे में। तो एवरेज केस फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले नंबर ऑफ कंपेरिजन निकालते हैं, जैसे कि अगर 12 निकालना है तो एक कंपेरिजन होगा, अगर 20 को निकालना है तो 2, अगर 10 को निकालना है या सर्च करना है तो 3, और 29 को तो 4, 30 को तो 5, और 18 को तो 6, 60 को तो 7, ऐसे करके हमने इतने नंबर ऑफ कंपेरिजन है, ठीक है। तो हमने सबको लिख दिया और जोड़ दिया, और एवरेज निकालना है ना, तो कितना साइज का ये एरे है, तो लास्ट में हमने 7 लिख दिया, ठीक है। सारे कंपेरिजन को जोड़ा और डिवाइड कर दिया है उसके साइज, एरे का साइज से। तो यहाँ पर देखने से आपको ये लग रहा है, इसको ऐसे तो लिख सकते हो 1, 2, 3 प्लस 4, अगर ये साइज हमारा एन रहता, मान लीजिए 10 रहता और उसमें से एवरेज निकालना रहता, तो हम यहाँ 10 तक लिखते, यानी कि इस प्रकार हम लिख सकते थे 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट एन, मतलब एरे का जितना साइज होगा इस साइज पर डिपेंड कर रहा है। और नीचे तो हम लोग साइज लिखते हैं, साइज भी एन ए पर डिपेंड कर रहा है। तो एक क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर का एक फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एन प्लस 1/2, और फिर लास्ट में ये तो एन इंटू एन प्लस 1/2 क्या होगा, सम ऑफ नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। पर लास्ट में हमें एवरेज में निकालना है, तो ये जो 7 जो है जो कि एन पर डिपेंड कर रहा है, तो एन लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन प्लस 1/2 हो जाएगा, और एन के टर्म में लिखना होगा। तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, या बाटा में लिखा हो या जोड़ कर लिखा हो, जो भी हो, तो ये भी हमारा बिग ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज केस ही बिग ऑफ एन लिख सकते हैं। अब जानते हैं एनालिसिस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। रनिंग टाइम डिपेंड्स मैनी फैक्टर, जो रनिंग टाइम होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे कि रैम पर, प्रोसेसर पर, और किस ज़माने का हमारा कंप्यूटर है, नया है या पुराना है। बट वी कैलकुलेट इट बेस्ड ऑन इनपुट साइज, पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इनपुट साइज के आधार पर। तो यहाँ पर एजम्पशन है, जैसे मान लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होगा, एक यूनिट लेगा जो भी ऑपरेशन करने में, अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी प्लस माइनस जोड़ घटा होता है वो भी एक यूनिट लेगा टाइम, और कंपेरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन लेस देन वगैरह जो भी है,
वो भी 1 यूनिट टाइम लेगा, और रिटर्न स्टेटमेंट है वो भी 1 यूनिट टाइम लेगा, ये हम मानते हैं चलते हैं ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल है, और यहाँ पे सम नाम का फंक्शन है जो कि इंटीजर टाइप का रिटर्न करेगा, और यहाँ पे दो पैरामीटर है जो कि एक्स और वाई है, और यहाँ पे एक जेड नाम का वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे क्या किया एक्स प्लस वाई को जोड़कर जेड में असाइन कर दिया गया है, फिर यहाँ पे जेड को रिटर्न कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है प्लस, तो 1 यूनिट लेगा, और यहाँ पे असाइन हो रहा है इस जेड में, तो ये भी 1 यूनिट ले रहा है, और रिटर्न कर रहा है जेड ठीक है, तो ये क्या रहेगा ये भी 1 यूनिट लेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा पूरा जोड़ेंगे तो हमारा 2 + 1 3 यूनिट हो जाएगा। और इस प्रोग्राम के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट होता है, मतलब कुछ भी आ जाए एक्स में कुछ भी आ जाए वाई में कुछ भी आ जाए समय उतना ही लेगा 3 यूनिट लेगा, तो कांस्टेंट टाइम को हम लोग बिग ऑफ वन बोलते हैं। और एक हमारे पास एक और हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर एक लूप है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या रहा है, यहाँ पे सम इक्वल टू 0 इसको 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं तो ये 1 यूनिट लेगा, और यहाँ पे आई इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर रहे हैं तो ये भी 1 यूनिट लेगा, फिर यहाँ पे कंपेरिजन कर रहा है आई लेस देन एन ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये कंपेरिजन कर रहा है कितने बार एन बार, एन प्लस वन क्यों लिखा गया क्योंकि यहाँ पे कंडीशन तब तक चेक करेगा जब तक फुलफिल नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं एन का वैल्यू हमने दे दिया 2, तो वो पहले क्या करेगा पहले आई का वैल्यू 0 रहेगा, 0 < 2 क्या कंडीशन चेक करेगा या ट्रू है तो एक बार ये चल गया, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा तो एक क्या हो जाएगा ये इस बार 1 हो जाएगा, 1 < 2 कंडीशन चेक करेगा और ट्रू है तो इसके अंदर कोड चलेगा, जबकि ये 2 बार अभी कंपेरिजन हो चुका है, फिर लास्ट में फिर से आई प्लस प्लस होगा तो 2 < 2 फिर ये कंपेरिजन किया 3रा बार, तो इस बार ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, तो यानी ये 3 बार चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग एन प्लस वन लिखते हैं, मतलब कंपेरिजन में फॉर लूप में एक बार ज़्यादा ही चलता है ठीक है, इसलिए एन प्लस वन लिखा। और यहाँ पे आई को एक बढ़ाया जा रहा है आई प्लस प्लस करके, तो यानी कि ये भी कितने बार चल रहा है जितने बार ये लूप चल रहा है ये उतने बार चल रहा है यानी एन टाइम ठीक है, और ये क्या हो रहा है एन प्लस वन टाइम चल रहा है। और यहाँ पर देखिए एक प्लस कर रहा है एक असाइनमेंट कर रहा है, तो ये 2 यूनिट टाइम लग रहा है पर कितने बार चल रहा है एन टाइम चल रहा है ठीक है, तो 2n लिख देंगे और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे सम को, तो सम क्या रह ले रहा है ये भी रिटर्न जो है 1 यूनिट टाइम ले रहा है, तो सबको जोड़ेंगे तो 4n + 4 हो जाएगा, 2n 1n 3n 1 4n, और एक एक जोड़ेंगे 4n + 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसका जो भी वैल्यू क्या करेगा एन के वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ठीक है, यूनिट का टाइम एन पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टाइम, और इसको हम लोग एन का टर्म में डिनोट करते हैं बिग ऑफ एन लिखते हैं। बिग ऑफ एन कैसे, इसमें क्या होता है कि हम लोग कॉन्स्टेंट टाइम जो भी होता है ना जो 4 हो गया या इसके पहले 4 हो गया इस सबको इग्नोर कर देते हैं, बस एन वाले टर्म को लिखते हैं, तो बिग ऑफ का टर्म में लिखना होगा तो बिग ऑफ एन लिखेंगे ठीक है। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग टाइम, अब और टाइम को कैलकुलेट करना तो कुछ रूल है, जैसे यहाँ पे एक लूप लिखा गया और इसके अंदर कुछ ऑपरेशन लिखा गया, तो इसके अंदर वाले कॉन्स्टेंट टाइम मान लेते हैं ठीक है, और ये लूप कितने बार चल रहा है एन टाइम, ये एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो इंटू एन लिख देंगे, और कॉन्स्टेंट को हम लोग इग्नोर कर लेते हैं तो बिगो का टर्म में हमें लिखना है, यानी वर्स्ट केस हम लोग हमेशा लिखते हैं तो बिगो एन लिखेंगे ठीक है। अगर कोई एक लूप का आपको प्रोग्राम मिल गया तो समझिए कि उसका वर्स्ट केस जो वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ एन हो जाएगा, वही अगर नेस्टेड रहा लूप तो क्या करते हैं दोनों लूप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैसे ए लूप एन टाइम चलेगा तो हमें पता है कि एन यूनिट लेगा जितना भी एन के साइज देंगे, और ए भी क्या चल रहा है एक लूप चल रहा है ए भी एन टाइम, जब एन टाइम में चलेगा तो इसके अंदर भी आके तो एन टाइम चलेगा, मतलब पहले ये चलाया तो कंडीशन चेक करेगा जितने बार कंडीशन चेक करेगा उतने बार इसके अंदर भी चलेगा, तो इस फॉर लूप के लिए भी क्या हो जाएगा टाइम का यूनिट एन हो जाएगा, और कांस्टेंट जो भी ये सब हमने ऑपरेशन इसके अंदर हो रहा है तो उसको कांस्टेंट टाइम सी मार लेते हैं ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं एन एन को एन स्क्वायर हो जाएगा एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, और सी डॉट एन स्क्वायर मतलब सी एन स्क्वायर लिखा जाएगा, तो कॉन्स्टेंट को हम लोग
नहीं कंसीडर करते हैं, तो बिग ओ का टर्म लिखना हो तो बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा इसका वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट के बारे में, इसमें क्या करते हैं उसको जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ कोड लिखा गया है, यहाँ पर सी बराबर सी प्लस वी लिखा गया है, तो यानी इस टाइम को कॉन्स्टेंट टाइम पर लिखा गया है, यानी इसको हमने मान लिया सी वन, सी वन टाइम लेगा। और यहाँ पे एक लूप चला है, लूप कितना चलता है, लूप लेता है क्या एन यूनिट लेता है, और कांस्टेंट को हम लोग मानते हैं इस कांस्टेंट को, एक यहाँ पर कांस्टेंट था एक यहाँ पर कांस्टेंट था, तो हमने इसको मान लिया सी टू, मतलब सी टू यूनिट लेगा। और यहाँ पे एक और फॉर लूप है, तो इसको भी फॉर लूप कितने बार चलेगा एन टाइम चलेगा, तो हम लोग क्या मान लेते हैं इसको एन यूनिट, और इसके अंदर भी एक कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम लोग मान लिए सी थ्री। अब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे, तो सी वन क्या है, सी वन को अलग कर दिए, और ये जो है सी टू एन दोनों इस ये जो फोर लूप के अंदर है ना ये कॉन्स्टेंट, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस जो एन है इस फोर लूप के साथ ए एन, और इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट है सी थ्री, ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होगा, जो एक के अंदर एक है, चाहे आपके फोर लूप में भी था तो देखिए एक के अंदर एक था यही ना था, इसके अंदर एक तो मल्टीप्लाई हो गया था, ठीक यहीं पर है, एक के अंदर जो भी रहेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी थ्री एन, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या किया, इसमें से एन कॉमन ले लिया, सी वन प्लस एन सी टू प्लस सी थ्री, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टेंट टर्म हो जितने भी होते हैं उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, तो अगर वर्स्ट केस के टर्म में लिखना होगा तो केवल बच रहा है एन, जिस सारे कॉन्स्टेंट को हम लोग हटा देंगे, तो हम लोग लिखेंगे बिग ऑफ एन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ एन, ठीक है। अगला है इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, चूज वर्स्ट केस दोज कॉम्प्लेक्सिटीज है, हम लोग चूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा है, जो भी इसके अंदर इफ के अंदर कोड लिखा है या एल्स के अंदर जो भी कोड लिखा है, जिसका भी कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस है, मतलब सब उसका जो ज़्यादा समय ले रहा है उसी को हम लोग बिग ऑफ एन मान लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसके अंदर इफ के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ, अब यहाँ पर कोड नहीं लिखा है, मैंने लिखा बस कोड ही है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, मानते हैं कि बिग ऑफ एन स्क्वायर इसका है जो टाइम यूनिट ले रहा है बिग ऑफ एन स्क्वायर, और एल्स के अंदर वाला बिग ऑफ एन ले रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बिग ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिग ऑफ एन लिखेंगे, ठीक। इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा समय ले रहा है, सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर ज़्यादा समय लेता है, तो उसको हम लोग बिग ऑफ एन के टर्म में मतलब वर्स्ट केस मानेंगे बिग ऑफ एन स्क्वायर को। अगर हो सकता है बिग ऑफ एन इफ वाले को के अंदर जो कोड चल रहा था उसमें समय लेता है और बिग ऑफ एन स्क्वायर एल्स में लेता है, ठीक है, तो किसी में भी समय ले सकता है, पर इन सबों को मैं जो सबसे ज़्यादा समय लेगा तो वर्स्ट केस वो हो जाएगा। इस केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर जो इफ के अंदर कोड वाला ज़्यादा समय ले रहा था, तो ये हमारा बिग ऑफ एन हो गया। अब जानते हैं लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, यहाँ पे देखिए फोर लूप लिखा गया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना आई एक एक करके नहीं आ रहा, दोगुना बढ़ा, पहले दो बढ़ाएगा फिर चार, ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, जैसे आई बराबर वन टू फोर एट सोलह ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू के पावर जीरो, टू के पावर जीरो, टू के पावर वन, टू के पावर टू, टू के पावर थ्री, टू के पावर फोर, ऐसे करके बढ़ रहा है। टू के पावर जीरो आपको पता होगा एक वैल्यू होगा, टू के पावर वन टू ही होता है, टू के पावर टू फोर हो जाएगा। तो मैंने ये जो आई का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है जब भी फोर लूप चल रहा है, जो कि एन पर डिपेंड कर रहा है, जितने भी एन का साइज होगा उसके बराबर या अंदर में ही कोड चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू एन तक है, ठीक है। तो उसी को हमने इस प्रकार लिख दिया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टू के पावर एक्स, हमने लिखा टू के पावर एक्स लेस देन इक्वल टू, जो कंपेरिजन कर रहे हैं आई के जगह क्या कर रहे हैं, जो आई जो बढ़ रहा है टू टू करके बढ़ रहा है, तो टू के पावर हमने उसके एक्स लिख दिया और लेस देन इक्वल टू एन कर दिया, एन यहाँ था एन के वैल्यू तक, हमने दोनों देने लॉग ले लिया, ठीक है। यहाँ पे टू था तो हमने लॉग टू दोनों देने ले लिया, लॉग टू टू के पावर एक्स लेस देन इक्वल टू लॉग टू एन, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉग टू टू के पावर एक्स का हो जाता है फॉर्मूला था x log 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और लेस देन इक्वल टू log 2n। यहाँ पर देखिएगा वैल्यू में log 2 का वैल्यू होता है जो नीचे 2 है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, मतलब log का बेस 2 है और यहाँ पर log 2 भी लिखा है, उसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर x हो जाएगा और इसके इतने के जगह 1 हो जाएगा, तो 1 से x में गुना होगा तो x ही हो जाएगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू
लॉग टू एन हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला लॉग बेस टू एन ही हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बीगो के टर्म में, बी गो लॉग टू एन, यानी कि इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बी गो ऑफ लॉग एन, यानी कि इसके लिए इस केस में अगर एक सीक्वेंस में मतलब दो गुना या तीन गुना चार गुना बढ़ता है, अगर तीन भी रहता ना, तीन के पावर टर्म में रहता, तीन गुना फिर छः गुना ऐसे करके बढ़ते रहता ना। अभी क्या रहा, तीन के पावर जीरो फिर तीन के पावर वन, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16 हो जा रहा। तो पहले तीन रहता, छः रहता, फिर 9 रहता, फिर 27 रहता, ऐसे करके टर्म में बढ़ता रहता ना, उस केस में भी उसका वर्स्ट कट बिग ऑफ लॉग एन हो जाता। अगर यहाँ पर भी आप अगर थ्री अपने यहाँ पे वैल्यू रहता तो आप थ्री का पावर एक्स लिखते हैं और दोनों दिन लॉग थ्री ले लेते हैं, लॉग थ्री थ्री का वैल्यू भी उसका भी वन हो जाता, सेम आउटपुट आ जाता है, ठीक है। फोर भी रहता तो सेम वही आ जाता। यहाँ पे देखिए एक फोर लूप है, इसके अंदर भी फोर लूप है, और इसमें देखिएगा ये फोर लूप नॉर्मल चल रहा है, पर ये जो है फोर लूप ये भी जो पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह दो गुना बढ़ते जा रहा है, दो दो करके दो के गुणा करके वो बढ़ते जा रहा है। तो इसमें केस में क्या होगा, नॉर्मल फोर लूप के लिए तो बिग ऑफ एन होता है, ठीक है। और जो इस सेकेंड्स में बढ़ता है जिसे दो गुना तीन गुना ऐसे करके बढ़ता है, तो हम लोग निकालते हैं बिग ऑफ लॉग एन, पिछले वाले एग्जाम्पल में निकाले थे बिग ऑफ लॉग एन, तो यहाँ पे बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगा। अब इन क्या करेंगे, इन दोनों को एक लूप के अंदर, एक लूप है ना, ठीक है, तो लूप के अंदर लूप है तो गुना होता है बिग ऑफ एन इंटू बिग ऑफ लॉग एन। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्स्ट केस एन का टर्म में बिग ऑफ एन लॉग एन बोलेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिग ऑफ एन से ज्यादा समय जो बिग ऑफ लॉग एन लेता है, उससे ज्यादा समय बिग ऑफ एन लेता है, फिर उससे ज्यादा समय बिग ऑफ एन लॉग एन लेता है, उससे भी ज्यादा समय बिग ऑफ एन स्क्वायर लेता है समय। सबसे कम समय बिग ऑफ वन लेता है, सबसे ज्यादा समय बिग ऑफ एन स्क्वायर लेता है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी रिक्वायर्ड बाई एन एल्गोरिथम, पूरा कंप्यूटर मतलब कितना कंप्यूटर का मेमोरी ले रहा है किसी एल्गोरिथम द्वारा टू कंप्लीट इस एग्जीक्यूशन, मतलब उस एल्गोरिथम को के प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने में, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम का। जनरली व्हेन ए प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन इट यूज द कंप्यूटर मेमोरी फॉर थ्री रीजन। जो प्रोग्राम होता है जो अंडर एग्जीक्यूशन में रहता है वो क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी को तीन रीजन से लेता है। पहला इंस्ट्रक्शन स्पेस, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर कंपाइल्ड वर्जन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यह मेमोरी लेता है कि आपके जो भी कोड है उसके कंपाइल करने में, उसके इंस्ट्रक्शन में। अगला है इन्वायरमेंटल स्टैक, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ पार्शियली एग्जीक्यूटेड फंक्शन एट द टाइम ऑफ ए फंक्शन कॉल। यह क्या करता है, मेमोरी को जो भी रहता है मेमोरी में डाटा को स्टोर करने में और फंक्शन के कॉल करने में, वहाँ पे मेमोरी का यूज होता है, ठीक है। अगला है डाटा स्पेस, इट इज द अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज टू स्टोर ऑल द वेरिएबल एंड कस्टेड। डाटा स्पेस में क्या होता है कि ये वो मेमोरी लेता है आपके एल्गोरिथम में या प्रोग्राम में, कहें कि जो आपके वेरिएबल हो गए कॉन्स्टेंट हो गए कितना स्पेस ले रहा है उसको स्टोर करने में, ठीक है, ये वो मेमोरी लेता है। एक नोट पॉइंट है, वेन यू वॉन्ट टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम बेस्ड ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी वी कंसिडर ओनली डाटा स्पेस एंड इग्नोर इंस्ट्रक्शन स्पेस एज वेल एज इन्वायरमेंटल स्टैक्स। दैट मीन वी कैलकुलेट ओनली द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर वेरिएबल कंसेंट एंड स्ट्रक्चर स्टेसी। जब हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शन स्पेस और इन्वायरमेंटल स्टैक, इन दोनों को इग्नोर कर लेते हैं, हम लोग केवल डाटा स्पेस पर ही ध्यान देते हैं। और डाटा स्पेस में क्या होता है, हमारे वेरिएबल कॉन्स्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं वो कितना स्पेस ले रहा है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं वेरिएबल कितना स्पेस ले रहा है। तो हमें पता होगा कि इंटीजर दो और चार बैठ लेता है, आपके कंपाइलर जितने होंगे जीसीसी कंपाइलर 4 बाइट लेता है और इससे पहले वाले 2 बाइट लेते हैं, ठीक है। टर्बोसी में शायद 2 बाइट लेता है, पर हम लोग बीएस कोड में कोड करेंगे तो वहाँ पर 4 बाइट लेता है। और फ्लोटिंग पॉइंट का साइज जो डाटा टाइप का साइज होता है 4 बाइट से लेता है,
और करेक्टर भी 1 बाइट लेता है और डबल 8 बाइट लेता है। ये इनके साइज है। आपने बेसिक जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है उसमें इसके साइज के बारे में आपको बताया गया होगा कि ये इतने साइज लेता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा गया है जिसका नाम लिखा है स्क्वायर, और एक पैरामीटर ले रहा है और रिटर्न कर दे रहा है जो इस पैरामीटर के थ्रू आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे इस बी वेरिएबल के लिए 4 बाइट लेगा। ठीक है, और यहाँ से रिटर्न कर रहा है बी इंटू बी कर कर ए भी 4 बाइट ले रहा है, यानी कि टोटल मेमोरी कितना ले रहा है इस प्रोग्राम के लिए 8 बाइट ले रहा है। यहाँ से रिटर्न करेगा तो इस इंटीजर में जाएगा, इंटीजर के थ्रू कहीं पे वेरिएबल को स्टोर कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो ही जगह हमें दोनों ही इंटीजर टाइप का है तो 4 4 8 बाइट लेगा। रिटर्न से भी पता चल रहा है कि ये रिटर्न ले रहा है किस टाइप का रिटर्न है, भाई इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये फंक्शन में दिखाया गया। हम लोग क्या डेटा टाइप पर फोकस करते हैं कितना स्पेस ले रहा है। देन इस प्रोग्राम के लिए 8 बाइट फिक्स हो गया। तो अगर किसी प्रोग्राम के लिए कोई समय या कोई स्पेस अगर फिक्स होता है, अब कितना भी डाटा आ जाए ना ये 8 बाइट ही लेगा। अब मैंने 10 डाला था तो 10 10 का मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर देगा, और मैं 100 भी डालूंगा तो स्पेस तो उतना ही लेगा ना। तो वैसे उससे केस को हम लोग कॉन्स्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं, और बिग ओ का टर्म में लिखा होगा ना तो बिग ऑफ 1 लिखना है। ठीक है, देखिए एक हमारे पास एग्जाम्पल है, और इसमें क्या रह रहा है कि दो पैरामीटर डाला गया है, एक तो इसमें एरे पास किया गया है और इसमें एक एन पास किया गया है। तो कहीं पे एक एरे है तो एरे का इसमें पूरा डाटा आएगा। ठीक है, और यहाँ एन जो कि क्या कर रहा है, ये भी एक वेरिएबल है जो कि कहीं से हमने यूजर द्वारा इनपुट किया और इसमें आएगा। और यहाँ पे क्या किए हैं, दो वेरिएबल बनाए सम नाम का और आई नाम का, और यहाँ पे फॉर लूप चलें जो कि एन बार चलेगा, और यहाँ पे क्या करें सम इक्वल टू सम प्लस, और फिर एरे के जो भी आई में जो भी वैल्यू है वो दोनों को जोड़ दो और सम में डाल दो, फिर यहाँ से सम को रिटर्न कर लो। तो अब समझते हैं कितना साइज लेगा। ए इंटीजर टाइप का एरे है तो एरे तो इंटीजर टाइप के तो 4 बाइट लेगा, पर ये चल कितने बार रहा है तो इसमें देखिएगा हर बार ये एक्सेस एन बार चलेगा तो एन बार एक्सेस करेगा, क्योंकि अगर बी और इसमें आई पास कर दिया गया, मतलब अगर 0 हुआ तो बी के 0 इंडेक्स पर जो भी डाटा है तुम सम में डाल दो, अगर बी अगर आई यहाँ पर हमारा 1 हो गया तो बी के 1 इंडेक्स पर जो भी डाटा है वो सम में डाल दो, अगर आई हमारा 2 हो गया तो बी के 2 इंडेक्स में जो भी डाटा है सम में जोड़ दो, फिर इसमें क्या करो इन दोनों को जोड़ के इस सम में डाल दो। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है, यानी कि ये जो एरे है एन टाइम चल रहा है, तो ये हमें साइज ले रहा है 4, तो 4 × n हो जाएगा। ठीक है, और ये इनपुट के लिए एक एन नाम का वेरिएबल बनाया गया है जो कि क्या लिख रहा है, इंटीजर टाइप का है तो ये 4 बाइट भी लेगा। यहाँ पर दो इंटीजर टाइप का 0 और आई नाम का वेरिएबल बनाया गया है, तो ये दोनों 4 4 बाइट लेंगे, यानी 8 बाइट यहाँ हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा गया। फिर इसके बाद क्या हो गया है, यहाँ पर रिटर्न किया गया है इस सम को, तो ये भी क्या लेगा, ये भी 4 बाइट लेगा अगर हम सबको जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमने लिखा है कि एन इंटू 4 मतलब कि एरे एन टाइम चलेगा और यहाँ पे 4 बाइट लेगा, तो बी एरे के लिए यहाँ पे एन इंटू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो पैरामीटर एन ले रहा है तो उसके लिए 4 बाइट, और यहाँ पे दो वेरिएबल है 0 सॉरी सम और आई, तो उसके लिए हम लोग 4 4 बाइट एक के लिए ले, तो यहाँ पे 8 बाइट और रिटर्न मिलेगा 4 बाइट, तो हमने 4 बाइट लेगा। सबको जोड़ेंगे तो 8 4 12 4 16 4 20, तो 4n+20 हो जाएगा इस प्रोग्राम के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या पर डिपेंड कर रहा है, एन के साइज पर। अगर एन यहाँ हमारा 2 रहता तो क्या आ जाएगा, एन के जगह 2 डाल देंगे, 4 2 8 20 28, 28 हमारा ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लेगा, 28 बाइट्स लेगा इस प्रोग्राम के लिए। अगर एन की जगह हमारा 5 आया इनपुट तो 4 5 20 और 20 इधर 40 बाइट्स हमारा साइज लेगा प्रोग्राम, और ये डिपेंड कर रहा है एन पर। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, और बिग ओ का टर्म में लिखना होगा तो बिग ऑफ एन लिखेंगे। ठीक है।